देखो इसका क्षेत्रफल कम है, देखो एकम पथ चौड़ा ना, एक मतलब कि इसका क्षेत्रफल कम है। देखा है हमारे हमारे हाथ का ये क्षेत्रफल ज्यादा है और ये क्षेत्रफल कम है, समझे? तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? इसका। अब देखो अगर इस गुब्बारे पर ऐसे दाब लगाए तो देखो कितना भी लगा ले फूट रहा है ना, ज्यादा दाब लगा फिर भी नहीं फूट रहा है। देखो क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा होने से जो दाब पड़ रहा है वो कम हो जा रहा है, क्या हो रहा है? और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। देखो जैसे देखो इसको ऐसे देखो कितना कर रहे हैं, फूट रहा है लेकिन बहुत प्रेशर करने पे फूटा ना, फूटा लेकिन बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, प्रेशर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा। लेकिन देखो अगर कोई दूसरा वेन्यू ने जैसे ये देखो इस पे अगर थोड़ा सा भी ऐसे लगाएंगे, देखो थोड़ा सी भी लगाने पे क्या हुआ, फूट गया। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अगर सुनो अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो क्षेत्रफल तो दाब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है, इसलिए ये फूट नहीं रहा था। देखो ये फूटेगा, देखो नहीं फूटा ना, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा कम है। देखो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो तो दाब कम होता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा। अभी बात बताओ अगर इसका क्षेत्रफल कम है, अगर इसको ऐसे रख के दीवार पर ऐसे मारेंगे तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर यही उल्टा करके लगाए तो ज्यादा प्रेशर करने भी जाएगा नहीं। क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? पहले पहले सेजल को इस पे खड़ा करेंगे तो क्या होगा, फूट जाएगा जी। फूट जाएगा ना, अच्छा। लेकिन उसके बाद और भी गुब्बारे पर हम इनको खड़ा करेंगे, सेजल को, आवा सेजल इसको, ठीक है? लेकिन गुब्बारा क्या होगा, नहीं फूटेगा। इसको भी खड़ा करेंगे, इनको भी खड़ा करेंगे, कितने लोगों को पारी पारी क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। ओके करें, ठीक। देखो इसके ऊपर हम सेजल को खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, फूट जाएगा, ऐसी बात है, फूट जाएगा। एक बार देखे, ठीक है, सेजल खड़ा हो इसके ऊपर पारी आराम से, हाँ आओ खड़ा, फूट गया, सही बात है, अच्छा। लेकिन बस एक चीज करेंगे, उसके बाद देखिए कि फूटता है कि नहीं फूटता है, ठीक है? ठीक बेटा, तो इसके नीचे भी एक बाय अरे है ना, और कुछ नहीं है ना, नहीं। अब इसके ऊपर हम सेजल को खड़ा करेंगे और देखेंगे कि फूटता है कि नहीं फूटता है। अगर फूटता है तो कह क्यों फूटा, अगर नहीं फूटता है तो क्यों नहीं फूटता है, क्योंकि एक गुब्बारे पर जब खड़ा हुई थी तो एक गुब्बारे पर पूरा प्रेशर, पूरा जो इसका भार था, एक ही गुब्बारे पर जा रहा था, ठीक है? और क्षेत्रफल भी क्या था, कम था, तो इसका दाब क्या था, अधिक। लेकिन देखो यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसका दाब क्या हो जाएगा, इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दाब कम पड़ेगा तो गुब्बारे के ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो गुब्बारा फूटेगा कि नहीं फूटेगा ये देखना है। ओके करें, और डरना नहीं लगा था, हैं? एक एक करके धीरे धीरे, धीरे धीरे, रुका रुका, ये उंगली ऊपर करो, नहीं तो अगर फूटेगा तो नीचे दब जाएगा। उंगली ऊपर करो, हाँ ठीक, हाँ वो उंगली ऊपर करो, धीरे से आराम से, ए चुप, अरे और आगे आगे चल, ए बस बस, देखो ऐसे ऐसे, देखो अभी क्या, इसके नीचे भी गुब्बारा है, देखो गुब्बारा है ना, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो गया, अधिक हो गया, क्षेत्रफल अधिक हो गया,
तो इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या है? कम है। क्या है? कम है। लेकिन जब ये एक ही गुब्बारे पर खड़ा हो रही थी तो क्षेत्रफल क्या था? कम था। इसका प्रेशर क्या था? ज्यादा था। और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है गुब्बारा क्या होगा? फूट जाएगा। लेकिन अभी देखो क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा। और इसका दाब कम, तो गुब्बारा फूटा नहीं। ओके, चलो ये तो छोटी है ना, थोड़ा थोड़ा बड़े पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।